नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हो गया है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 का डे 6 हम शुरू करने वाले हैं। 5 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेशंस बहुत पसंद आ रहे हैं। सो आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक, एक ऐसे ऑथर के साथ एक ऐसी बुक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और विचार मंथन करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में, बहुत ही खूबसूरत विषय के बारे में जो आपके, मेरे, हमारे ऑथर के, हम सभी के मन के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे माँ के बारे में। माँ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हर बच्चा, हर एक छोटा बच्चा, उसकी पहली शिक्षिका उसकी मदर होती है, उसकी माँ होती है। माँ के एफर्ट्स, माँ हमेशा अपना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने समर्पण से, अपने प्यार से, अपने विश्वास से पालती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहती। सिर्फ समर्पण भाव उनका एक 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 अमूल्य हिस्सा होता है उनके लिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ के ये जो समर्पण भाव है, जो त्याग है, ये अनदेखा हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव, इसकी झलक मिलती है उस बच्चे की नींव पर, उस बच्चे के मजबूत इरादों पर और जो वैल्यूज वो बच्चा अपने जीवन में पाता है उस पर। सो एक मजबूत नींव के लिए, फाउंडेशन के लिए माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आज के जो हमारे ऑथर हमसे जुड़े हैं, जो गेस्ट हमने इनवाइट की हैं, उन्होंने भी अपनी बुक अपनी मदर को डेडिकेट की है और अपनी मदर के को समर्पित करते हुए उन्होंने किताब लिखी है। मैं आपको एक बार किताब ज़रूर दिखाना चाहूँगी और इस समर्पण भाव का एक उदाहरण ये है कि उन्होंने अपनी बुक का कवर अपनी मदर की फ़ोटो लिया है और इसका जो टाइटल है वो भी उन्होंने रखा है इंडियन मदर शकुंतला। शकुंतला इनकी मदर का नाम है। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऑथर से, जिन्होंने क्या कुछ अपनी लाइफ में देखा है, समझा है और अपनी मदर के साथ जीवन जीते हुए किन कुछ संघर्षों को उन्होंने जिया है और क्या कुछ लर्निंग ली है अपने अनुभवों से, वो सब कुछ इन्होंने समेटा है अपनी किताब में। सो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ ईजिली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़े हैं, ही स्टडीड मास्टर ऑफ कॉमर्स, he started working in multinational company and in parallel he did provide tuition to the students. He worked in a reputed organization like IBM BT Global Services and now working in medical coding as team leader. So without any further delay, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मोहन कुमार सिंह। हेलो, नमस्कार मोहन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद इतने सम्मान के लिए आपका। शुक्रिया सर, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी किताब आज इस अपनी जर्नी आप इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वाले हैं और बहुत सारी मदर्स को प्राउड फील करवाने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कहानियाँ ही लोग जानेंगे और ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने अपने बचपन से हमने देखा है बहुत सारे इमोशंस को बदलते हुए जीवन में और ये एक और एक इमोशंस है जो मेरी जीवन में मैं ऐड कर रहा हूँ और आशा करते हैं कि सब अच्छा हो, अच्छा सोचें, अच्छा होते हैं। बस यही। मोहन, मैंने फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपका कि आप क्या कर रहे हैं अभी, बट आप जानना चाहेंगे कि आप अभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली कहाँ है आपकी और अभी आप क्या कर रहे हैं, प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरे परिवार में मेरी माँ है, अभी मेरी बीवी है, एक बच्चे हैं, बच्ची है, मेरे भैया हैं, दीदी है, ये कोलकाता में अभी रह रहे हैं और मैं गुजरात में हूँ काम के लिए। जी, काम के लिए गुजरात से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मोहन,
आपने बुक लिखी है और इसमें बहुत कुछ आपने डिस्क्राइब किया है, क्या आपको लिखने की पहले से लिखने की हॉबी थी? आप लिखना पसंद करते थे, बुक्स पढ़ना पसंद करते थे? बचपन में किस तरह की ये इस चीज को लेके आपका क्या सोचना होता था बचपन में? जी देखिए, हम जो है जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या था कि मेरा जो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं उसमें मैं बेहतरीन था, और लेक्चर्स भी जो हमारे सर हैं वो बोलते थे कि मोहन आप दीजिए इंग्लिश में लेक्चर्स, तो मैं वो ना शुरुआत करता था, वो देता था लेक्चर्स। बट कहीं ना कहीं मैं इसमें ना आपको उस मेरे जन्म के पहले की कहानी बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये जो पूरा वाक्य जो अभी घट रहा है ये कहीं ना कहीं उस कहानी से जुड़ा हुआ है। और ये कहानी शुरू होती है, और ये मुझे पता चला मेरे पिताजी के थ्रू। मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे दादाजी जो थे वो बहुत किसी कारणवश पर नहीं पाए, पहले के लोग जो यू नो 40s 50s में जो लोग थे वो पर नहीं पाए, बट उन्होंने एक बुक लेके आई थी इंग्लिश बुक, और वो हमारे घर में वो सबसे पहला बुक जो हमारे दादा ने मेरे पिताजी को हैंड ओवर की थी कि आप ये पढ़िए। और उसके बाद ये कहानी जब पिताजी ने मुझसे शेयर की तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन का जो जर्नी रहा है अभी तक, मैं भी किताबों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था, तो मेरे जीवन में स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और बुक, जब भी मुझे कोई परेशानी आती तो मैं किताब पढ़ने लगता, जब भी मैं खुश होता तो मैं यू नो किताबें पढ़ने लगता। और इवन जब से मैंने काम भी शुरू किया है ऑफिस के माहौल में, जब से मैंने आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लिखना और बोलना दो अलग चीज़ें हैं। जब आप लिखोगे तो आप बहुत पॉजिटिवली जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो अपने ऑडियंस को, जो हमारे ऑफिस के यू नो कलीग्स हैं उनको, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत ही यू नो अच्छे तरीके से डिलीवर होना चाहिए। तो ये मैंने सीखा ओवर द पीरियड काम करते हुए मैंने, और जहाँ तक बोलने की कला जो है वो मैंने सीखी थी बचपन में, बट बीच में कहीं मैं खो गया, और बट जब से काम कर रहा हूँ तब से ये कला है जो है जुड़ी हुई है, और कोशिश कर रहा हूँ मैं और अपने आप को इसमें बेहतरीन करने का, ताकि भविष्य में जाके एक एटलीस्ट अपनी पहचान बना सकें, अपने फैमिली की पहचान बना सकें, क्योंकि आज के दिन में बहुत ज़रूरी है हर इंसान की खुद की पहचान। मैं अपने बीवी से भी कहता हूँ, अपनी माँ को भी, मैंने इसीलिए मैंने बुक माँ के लिए भी लिखी है, और मेरे भैया के लिए भी, मैं जिनसे भी मिलता हूँ उनको बोलता हूँ कि आपकी पहचान कहीं ना कहीं आज के दौर में जो चल रहा है उसमें गुम हो गई है, तो आप अपने पर्सनालिटी के साथ आना हर इंसान को चाहिए, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या ख़राब हो, कहीं ना कहीं हर इंसान की खुद की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से जब मैंने माँ के साथ समय बिताया, पिताजी के साथ बहुत सारा समय बिताया, तो मुझे लगा कि इनका जो स्ट्रगल है या इनकी जो जीवन शैली रही है आज के दौर की जो जीवन शैली उससे बहुत अलग है, और कहीं ना कहीं किसी माध्यम से मैं इनको एक रिस्पेक्ट के तौर पे उसको डॉक्यूमेंट कर सकूं, ताकि भविष्य में हमारे परिवार के जो आने वाले फ्यूचर्स हैं वो इनको पढ़ के समझ पाए कि पहले के जीवन कितना कठिन था जीना, तो ये वजह रही है। जी मोहन जी, अगर हम इस पर्टिकुलर बुक के बारे में बातचीत करें जो आपने अपनी मदर को डेडिकेट की है, इसकी जर्नी कब से शुरू हुई, इसके बारे में लिखना आपने कब से शुरू किया, या फिर इस टॉपिक पर मैं बुक लिखूंगा ये कब सोचना शुरू किया आपने? ये बहुत दर्दनीय समय था। आपको पता है मेरे पिताजी का देहांत हुआ 2023 में 17 नवंबर, तो उसके पहले मैंने पिताजी के हमारे पूरे परिवार ने कोशिश किया कि हम लोग जीवन जो है बहुत ही सम्मानपूर्ण तरीके से जिएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और जैसे बोलते हैं ना गरीब को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो हमने
हमारे पास मकान नहीं था तो हमने मकान बनाया। तो उससे मेरे पिताजी मेरे को एक दिन बोलते हैं कि तुमने मेरे जीवन की सब परेशानियां ले ली। तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। तो मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ कि मेरे पिताजी जो नहीं कर सके किसी कारणवश फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के थ्रू करके उनको जो खुशी मिली है वो मैं फील कर पाया उन दिनों। उसके बाद जब पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी माँ को मैं देखा और उस समय वो बहुत एक बहुत ही खराब समय था बोल सकते हैं, या बहुत ही दर्दनाक समय हमारे जीवन का था, हमारे परिवार के लिए, जो पिताजी का देहांत हुआ पिछले साल। तो वहाँ पे मेरी माँ ने जिस शक्ति से अपना जो जो रास्ता है वो हमारे बीवी और बच्चों बच्चे के लिए, जो पूरे परिवार के लिए जो मुड़ा, क्योंकि माँ उस समय बिखर गई थी और माँ जो है वो उस सिचुएशन में नहीं थी कि कुछ भी सोच या समझ सकें। लेकिन मैं माँ की तारीफ करूँगा कि जिस स्ट्रॉन्ग विल पावर से उन्होंने अपने डायरेक्शन को मोड़ा है मेरी बीवी बच्चे परिवार के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस की बात है। और उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ जो है, उसके बाद मैं माँ की उन बातों को सोचने लगा कि जब से वो मेरी माँ हमेशा बोलती थी बचपन में मैंने ये किया, बचपन में मैंने वो किया, ये है, मैंने फिर शादी के बाद ये हुआ, ये समस्याएं देखी, वो हमेशा ये किस्से मुझे सुनाती थी। मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारी जो जीवन क्या है, देखिए हम एक साधारण से जीवन जीते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जो कि बहुत आज के समय पे जो है। लेकिन हमारी माँ ने इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की जो हमने नहीं फेस की। और उससे उस चीज़ से मुझे लगा कि नहीं, एक माँ के सम्मान के लिए भी ये किताबें लिखी जाएँ ताकि हमारे परिवार की जो आने वाली जनरेशन वो समझे कि ये जो आज बुनियादी चीज़ें उनको मिल रही है, जो सुविधाएं, वो इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत सालों की तपस्या है उसके पीछे। तो वो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि लिखी जाए। बहुत सुंदर जी मोहन जी। आई एम श्योर हम मैं खुद इस बात से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मदर, माँ चाहे किसी की भी हो, माँ का प्यार सब बच्चों के लिए वो सेम भाव रहता है, समान भाव रहता है, चाहे आपकी मदर हो, हमारी मदर हो। हम रिलेट कर पा रहे हैं आपकी इस किताब से कि इसको लिखने के पीछे जो रीज़न आपने बताया अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है और सच में ये ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन को ये चीज़ बताई जाए कि जो चीज़ उन्हें अभी मिल रही है या जो आराम उन्हें मिल रहा है उसको पाने के लिए एक पीढ़ी ने अपना खून पसीना एक किया है, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है और उसी मेहनत पर चलना भी ज़रूरी है। और किताबें अपने आप में वो सही माध्यम है जिसके थ्रू हम उन्हें ये बता सकते हैं। सो मोहन जी, आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस हमें अभी सुन रही है, आपने अपनी मदर के बारे में इतना कुछ बताया, किताब उनके ऊपर उनको डेडिकेटेड है, हम आपकी मदर से ज़रूर मिलना चाहेंगे और उनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे इसको लेकर के। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम मोहन जी की किताब के साथी से बातचीत करें और वो खुद जिन्होंने ये बुक डेडिकेटेड है जिस पर, उन पर्सन को हमने इस मंच पे इनवाइट किया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी मोहन जी की मदर शकुंतला जी को। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हम मोहन जी से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने जो किताब वो लेकर के आए हैं जो डेडिकेटेड है आपके ऊपर, आपको क्या, आपको पहले पता था कि आपके ऊपर किताब लिखी जा रही है? पहले आप ये बताइए। नहीं, पता नहीं था। हम यहाँ बैठते थे, हमसे पूछता रहा, लैपटॉप में अपने लिखता रहा, हम जानते नहीं रहे। बाद में बोला जाए हम किताब लिखा, सब बताते रहे। जब किताब आपके हाथ में है तो कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। ये मेरा लड़का किया, अच्छा लगा। आपको लगता था कि आपको लगता था मोहन जी कि पहले से, मतलब बचपन से ही लिखने का शौक था उन्हें? कैसे थे वो लिखने में, पढ़ने में? पढ़ने में बढ़िया रहा, बच्चे से सब घड़ी किताब रहता रहा, किताब ले बैठते उठते किताबें लेता रहा। बड़ा लड़का रहा, उतरा
किताब उताब लेता रहा हूँ, उतना नहीं रहा इतना बेसी किताब उताब लेके। अच्छा, तो आप जैसे ही बता रहे हैं कि आप उनको किससे कहानियां सुनाते थे अपनी, वो भी इन्होंने इसमें बुक में शामिल किए हैं, पहले बचपन की जो बातें होती हैं, क्या कुछ डिस्कस करते थे आपके साथ? हाँ, बचपन में बहुत तकलीफ से बड़ा किए हैं बाल बच्चा को, बहुत दुख से। चाय का दुकान था उसका पिताजी का, छोटा सा कलकत्ता में छोटा गुमटी जैसा दुकान रहा चाय का, अच्छा उसी से बाल बच्चा के पाले पोसे तकलीफ से। मैंने खाना आज नहीं है तो कल चोखा दाल भात, मैंने कैसे करके बड़ा किए बाल बच्चा को तकलीफ से। फिर गोबर गोईठा सब कर करके भाई बहन लोग को बड़ा किए हैं, कठिनाई से बड़ा आज किए पढ़ाए, बहुत तकलीफ से पढ़ाए लिखाए बड़ा जी, आज लड़का। आपको बहुत गर्व हो रहा होगा कि आज ये एक पब्लिश ऑथर बन चुके हैं और इस मंच पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा आज। हाँ, मेरा छोटा लड़का लाया है, मौका पर दिया है वही। वो ओके, बैठ शकुंतला बैठ जी, के आपको कहानी सुनता रहा लिखता रहा, हम काम आगे बच्चे से अच्छा, देखा हमको। हाँ, और कुछ बताइए इनके बारे में। और क्या बताया, खाली पढ़ता रहा लिखता रहा, और बेसी बार तो माँ के सामने रहता रहा। बड़ा वाला थोड़ा क्रिकेट खेलता रहा, ये लोग दोनों लड़का क्रिकेट खेलता, मेरा बच्चे से खेलता रहा, बगान चल जाता रहा खेलता रहा दोनों लड़का। लड़की भी बहुत धीमा उमा रहा, मैंने गरीब देखो परिवार रहता है ना, वैसे एकदम गरीबी तरफ से बड़े किए सबको बाल बच्चा के, बहुत कष्ट करके। आगे का जाति तो जानते हैं, लाइट नहीं रहा, मोबाइल नहीं रहा, कोई चीज नहीं रहा। आगे का डिग्री रहा, डिग्री में खाना बनाते रहे बाल बच्चा, डिग्री लेके पढ़ता रहा तीनों का तीनों। बाकी दोनों पढ़ा नहीं, पढ़ने में ही एनी टाइम बुक रहा है इसका हाथ में। भगवान आपसे तीन बात करके, चार हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से बता रहे हैं एक्चुअल इकोलॉजिकल बातें, प्रैक्टिकल चीजें आप बता रहे हैं कि किस परिवार से हाँ उठ करके आज इस मंच पर हम बातचीत कर रहे हैं और काफी कुछ अचीव कर लिया है मोहन जी ने, काफी कुछ अचीव करेंगे अभी। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम जी। मोहन जी, शकुंतला मैम तो बहुत इमोशनल हो गए थे बातचीत करते करते ही जी। जी माँ हमारी वैसी है, हम वो जी, जब भी बिल्कुल बात करेंगी तो आँख में आंसू आ जाते हैं, और मेरी भी कहीं ना कहीं आ जाती है उनको सुन के। जी। सो अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। हमने ये बुक का टाइटल फ्रेंड्स को बताया है, उनका आपका कवर भी हमने दिखा दिया है। आपसे आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि आपने इसमें क्या क्या कुछ शामिल किया है और क्या कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा इस बुक के थ्रू। जी देखिए, जब ये बुक लिखने के बारे में मैंने सोचा था ना, तो उसमें सिर्फ मेरा पर्पस ही बहुत क्लियर था कि ये बुक मेरी माँ की कहानी है। मतलब मेरी माँ एक नॉर्मल जो बैकग्राउंड के लोग हैं जो वहाँ से आती है, और उनका जो स्ट्रगल रहता है एक परिवार और एक एक खुद के फैमिली को संभालने में और जीवन को आगे बढ़ाने में, वो सोच के मैंने इस ये पूरे जो वाक्य उनके जीवन में जो रियल लाइफ में जो उन्होंने फेस किया वो मैंने कोशिश की है इस पे उतारने की। मेरा जी, मकसद हमेशा ये रहा है कि ये किताब हमारे परिवार के लोग पढ़ें और वो जानें कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। बट क्योंकि आप जैसे अध्ययन ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे हर एक इंडिविजुअल की खुद की पहचान के थ्रू वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकूं। मेरा पर्पस ये है कि मेरे परिवार के लोग इस चीज इस जो माँ के जिस स्ट्रगल है वो जान सके। यदि लोग पढ़ते हैं और वो यदि रिलेट कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये माँ के लिए लिखना था। जी मोहन जी, आई एम श्योर इस किताब में जो इंसिडेंट्स आपने बताए हैं, वाक्यांश जो आपने बताए हैं, कई बार लिखते समय
शब्दों को इमोशंस को शब्द देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले हम उसको फील करते हैं फिर उनको शब्दों में ढालते हैं। आपके साथ हुआ इस किताब को लिखते समय कि आप बहुत इमोशंस में बह गए हो, आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आप कैसे उसको इसको पेपर पे उतारें, ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ, बहुत सारे सिचुएशंस जब मैं लिख रहा था, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आज के समय, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो दोनों समय देखा हूँ, 80 के दशक को भी मैंने देखा है, 90, 2000 और 2010 और 24 को भी मैंने देखा है, तो मैंने इमोशंस को परिवर्तन होते हुए देखा है कि लोग बदलते हुए हमने देखे हैं। तो जब मैं लिख रहा था ये किताब मेरी माँ के बारे में, तो मैंने ये देखा कि आज के समय पे जो सुविधाएं बहुत आसानी से मिल गई हैं, पहले नहीं थी, और मैंने सिर्फ वही कोशिश किया कि उनको शब्दों में लिखने का, क्योंकि मैं इतने सालों से एक कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हूँ और लाइफ में इतने सारे इमोशन जी चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं जब मैं लिख रहा था तो वो इमोशंस आ रही थी मेरी आंखों में, वो इमोशंस छलक रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कोशिश किया कि उन शब्दों को बटोरा जाए और प्रस्तुत किया जाए इस किताब के रूप में। और इसमें अध्ययन ग्रुप का भी बहुत साझा सपोर्ट भी मिला मुझे जी, उनके भी जो सोच, जो मेरे सोच को समझ पाए और उनको इस रूप से दिखा पाए। मोहन जी, आपकी लाइफ में आई एम श्योर मदर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है, आप ऐसा कोई वाक्या शेयर करना चाहेंगे कि उनकी कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी क्वालिटी कह दीजिए जिसका बहुत असर रहा है आपके बचपन पे, आपकी अभी जिस स्टेज पे आप है वहाँ पर, कोई एक ऐसा वाक्य आप शेयर करेंगे? जी देखिए, मेरी माँ एक चीज हमेशा बोलती है कि आप जो है ना ईमानदारी के जीवन जियो, भले ही आपको दो पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन आप उसमें खुश रहो, सुकून और शांति से जियो, और किसी को धोखा नहीं, आप अपने रास्ते चलते चलो, जो आपको आना है वो आप कोशिश करते रहो, ठीक हो जाएगा। और ये जो माँ ही नहीं, मैं बोलूँगा इसमें पिताजी को भी मैं बहुत बड़ा हाथ श्रेय दूंगा, क्योंकि पिताजी भी जो हैं एक बहुत 72 साल की एज तक सुबह 5 बजे दुकान जाना और रात को दुकान बंद करना, तो ये आसान बात नहीं होती है 72 साल के एक बुजुर्ग को वो कंटिन्यू पर डे वो चीज़ें करना। तो मैंने उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं पिताजी से कि आप जीवन जो है बहुत बोरिंग है, ये जो जीवन है बहुत बोरिंग है, आप अपने काम में लगे रहिए, अपने काम में लगे रहिए और जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए और आगे बढ़िए और शांति से जीवन चलाइए, क्योंकि बहुत ही कठिनाई है, बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें भी आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, माँ ने हमेशा, पिताजी ने हमेशा ये चीज़ें ही सिखाई हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए मैं किसी भी चीज को पाने की लालसा नहीं रखता हूँ, रादर मैं कोशिश करता हूँ उस पे उस पे चलूँ, यदि मिलने को रहेगा कुछ भी तो आपको मिल ही जाएगा। एब्सोल्युटली, अगर मेहनत होगी तो वो चीज आपके पास आएगी ही आएगी। जी हाँ जी, जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मोहन सिंह जी से और इनकी बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इनकी बुक डेडिकेटेड है अपनी मदर को, जिसमें उन्होंने अपनी मदर के साथ जो जीवन यापन किया है टिल दिस एज तक, उन सब चीज़ों को उन्होंने शामिल किया है, उन एक्सपीरियंसेस को शामिल किया है, क्या कुछ उन्होंने सीखा अपनी मदर के व्यवहार को लेकर के या उनकी जीवन को लेकर के, क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ अप्लाई किया है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने समाहित किया है इस किताब में। सो आई एम श्योर आप भी इस बुक से, इस डिस्कशन से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या इमोशंस रहे हैं अपनी मदर को लेकर, या कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो अपनी मदर के साथ, कोई इंसिडेंस याद हो तो वो आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मोहन, आप खुद एक पेरेंट हैं और जो कुछ हम अपनी बचपन में जो कुछ हम सीखते हैं, हम बड़े होकर अपने बच्चों को वही कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर वही वैल्यूज हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ऐसा क्या आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे जो आपने बचपन में सीखा है अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू, जो आप उनको पास ऑन करना चाहेंगे?
जी देखिए, मैं तो हमेशा कोशिश करूंगा, सबसे बड़ी बात कि सम्मान, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, रिस्पेक्ट लोगों का करना, बड़े छोटे सबका, साथ में प्यार से रहना, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। और इसके अलावा इसको आप कैरी करते हुए अपने कर्मों को सही रख के मेहनत करते रहना, ये मत सोचना कि कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं, लेकिन मेहनत जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये करते रहिए। और क्योंकि ये समय जो है मॉडर्न एरा है, और जी इस मॉडर्न समय में स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, साथ में हार्डवर्क के साथ, और बट उससे भी ऊपर है ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी के साथ विनम्र रूप से आगे बढ़ते रहिए, विनम्रता के साथ। आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं चाहूंगा कि मेरे आने वाले जो बच्चे हैं, विनम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं ना, हमारे हर छोटी छोटी चीजों में इंसान पैम्पर हो जाना, यानी गुस्सा हो जाना, ये आम सी बात है। बिल्कुल और ये हर बहुत सारे सिचुएशंस लाइफ में मिलेंगे हर इंसान को, तो उसमें कोशिश करना कि वो आप कैसे हैंडल करते हो या कैसे मैनेज करते हो उन चीज़ों को, सिचुएशंस को। और वो इतनी आसानी से हमें बचपन में किसी ने सिखाया नहीं ये चीज़ें, इस ये चीज़ें बचपन में हमें किसी ने नहीं सिखाया। जैसे जैसे समय बदलते गया, हम लोगों से जुड़ते गए, हमें लोगों से सीखते गए, हाँ और जो मैंने सीखा है कहीं ना कहीं वो हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले बच्चों पे डाल सके, कि खुद की पहचान बहुत जरूरी है, चाहे वो मेरी बच्ची हो, मेरी बीवी हो, मेरी माँ हो, मेरे भाई हो, सबकी अपने एक इज्जत है अपने एक जॉनर में, तो वो बरकरार रखें और उससे जीवन में आगे बढ़ते रहें। सबसे बड़ा सोच है आज के टाइम पे आगे बढ़ने की, कि आप आगे बढ़ो जीवन में, और ये मत सोचो कि आपने कम मेहनत किया या ज़्यादा मेहनत किया किसी दिन, बट आगे बढ़ते रहो, तो ये बहुत जरूरी है आज के समय। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर मोहन जी। हमने आपकी मदर से तो पूछा कि जब उनको पता चला कि उनके ऊपर एक बुक लिखी जा रही है, उनका क्या रिएक्शन था। आपसे जानना चाहेंगे हम, जब आपने उनको बताया कि आपके ऊपर एक बुक मैंने लिख दी है और ये वो बुक है, उनका क्या रिएक्शन था, हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले बात तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बताया तो माँ को समझ में नहीं आया। माँ बोलता है तुम मेरे को स्टेज में ले जाओगे, ये सब करवाओगे, जी ये सब क्यों करवा रहे हो तुम। हम बोला देखो एक बात बताओ, फिर मैंने माँ को अच्छे से बता बैठाया, बोला एक बात बताओ, तुमने जो अपने जीवन में जिस तरह से समर्पण दिया है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को वो पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होती है, आज के समय बहुत फास्ट है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किसी ने उसके लिए क्या किया है। एब्सोल्युटली तो मैं उनको वही बोल रहा हूँ कि अभी तक तुमने जो किया है मेरे आंखों से मैंने देखा है, फील किया है, और उस चीज को कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा ठहराव रख के उस बारे में सोचना चाहिए, जी और उसको उस वो जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल जो आपने रखे हैं, उसको कैरी करना चाहिए। तो जब मैंने ये बोला तो मेरी माँ जो है बहुत रोज हमेशा की तरह रोज आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी देखिए मुझे पता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मोहन जी। जी। बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, भाग रहे हैं पता नहीं किस चीज के पीछे, कितना कुछ पा लिया उसके बाद भी। लेकिन एक पर्सन जो कि थोड़ा कमा रहा है या थोड़ा कुछ कर रहा है लेकिन खुश है, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, वो ज्यादा एक अच्छा जीवन जी रहा है मेरे ख्याल से। जी एकदम सही। और इसी बीच मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ बैलेंस रखने का, काम और अपने परिवार में, ताकि उनको भी कोई कमी ना हो। तो जी ऐसे ही चल रहा है जी। तो मदर का बिल्कुल रिएक्शन ऐसा रहा, एक बार तो वो सरप्राइज हो गई और फिर रोने लगी। जी माँ हमेशा रोने लगती है, माँ हमेशा रोने लगती है, क्योंकि जी वैसे ही है, हम लोग थोड़े इमोशनल हैं, आपको पता है 60-70s के लोग इमोशंस ही हैं,
और हमारे भारत के भी आप बोलोगे ना अधिकतर लोग मोहन जी, जिस फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी होती है, जो एक दूसरे को इमोशनली समझते हैं, वो लोग इमोशनल होते ही है। वो चाहे चाहे वो एक दूसरे के साथ कोई खुशी बांटनी हो तब रोना आता है, दुख बांटना हो तब रोना आता है। अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो रोना जरूर आएगा, और अगर रोना नहीं आ रहा इट मीन्स बॉन्डिंग है ही नहीं, बहुत दूर दूर हो चुके हैं लोग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मोहन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा फेज आपकी लाइफ का, जो बचपन का या अभी का, जो आप अपनी मदर के साथ जो समय बिताया है, उसमें से कोई ऐसा फेज जो आप उनके साथ दोबारा जीना चाहेंगे, चाहे वो बचपन का हो, स्कूल का हो, नानी के घर जाने का हो, या अभी अभी का कुछ रीसेंट टाइम हो, कौन सा वो फेज होगा जो आप दोबारा जीना चाहेंगे उनके साथ? देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक फेज तो नहीं है। मैं कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ आपको कुछ कहानियाँ। जैसे मैं बहुत दूर हूँ अभी अपनी माँ से, मैं हमेशा भी अभी के टाइम पे, बट वो हमेशा साथ में रहती है, ऐसा फील होता है। और बचपन के बहुत सारे फेजेस हैं, और मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगा जिससे मुझे लगा कि नहीं, मेरी माँ जो है ना कुछ अलग है। उसका रीज़न है, आज के समय में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है लोगों को, और ये फील किया है कि लोग जब मुसीबत में होते हैं तो बिखर जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ को बहुत सारी मुसीबतों का सामना डट के करते हुए देखा है, वो बिखरी नहीं उसमें। और कहीं ना कहीं ये जो जो सेंस है, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग बहुत जो उनके पास बहुत सारा चीज नहीं होने के बावजूद वो लोग बिखर जाते हैं, होने के बावजूद बिखर जाते हैं थोड़े से परेशानी आने पे। जी लेकिन इनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आने के बाद भी ये बिखरी नहीं है, और उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से और आगे बढ़ी है। चाहे वो आप एक घटना ले लो, बचपन में हम लोग एक परिवार में रहते थे, बहुत सारे परिवार एक जगह रहते थे, और दूसरे परिवार के साथ उन्होंने माँ को बहुत अब्यूज़ कर दिया, तो माँ ने वहाँ पे डट के खड़ा होकर सामना किया, तुमने किया क्यों, और पूरी रात जो है वो एक बहुत महाभारत टाइप का हुआ है। ठीक है वो और कहीं ना कहीं, और पिताजी भी उस समय सपोर्ट नहीं करते थे। पिताजी हमेशा बोलते थे आप शांत रहो, समझाते थे, लेकिन मेरी माँ बोले नहीं कि यदि उन्होंने बोला है तो ये गलत बोला है। जी, और इवन हम लोगों के डेली लाइफ में भी ये होता है कि बहुत सारे एजुकेटेड, जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो अनस्कूल बच्चे लग रहे हों, लेकिन मेरी माँ स्कूल होते हुए भी, सबसे बड़ी बात है, अनस्कूल होते हुए भी उस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से ना कि सामना थी उसको लेके वो आगे भी बढ़ी, कैरी की। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत सारे देखिएगा आज के टाइम पे, मैं देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मेरे साथ, और बट उनका कहीं ना कहीं व्यवहार जो कुशल होता है मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, बट फिर भी मैं सोचता हूँ वो हर इंसान की अपनी पहचान है, वो जिस हिसाब से उनका जीवन है वो जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके आज के लोगों और मैं माँ के जीवन को देखता हूँ तो पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे होते हुए भी मेरी माँ ने जिस हिसाब से जीवन को जिया है, कहीं ना कहीं अपने इज्जत मान सम्मान को सबसे ऊपर रखा है, और इस वजह से आज कहीं ना कहीं मैं ये बोल पा रहा हूँ उनके बिहाफ में, उनके ही आया है कि जिसके वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। जी मोहन जी, मोहन जी जितने भी लिसनर्स हमें अभी सुन रहे हैं, ऑडियंस हमें सुन रही है, और जितने भी रीडर्स आपकी बुक को पढ़ेंगे, वो ऐसे क्या की पॉइंट्स लेंगे आपकी किताब में से जो उनकी लाइफ में उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, क्या कुछ नया सीखेंगे आपकी बुक के थ्रू? देखिए मैं सच बताता हूँ, व्यूअर्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्ची को उनके कुछ क्वालिटीज से अवेयर कराना चाहूँगा, और मेरे भैया की भी शादी होगी, उनके भी बच्चों को, या हमारे घर में जितने बच्चे हैं उनको कुछ क्वालिटीज हैं, या हमारी बीवी हैं, मेरी भाभी हैं, उनको मैं चाहूँगा कि माँ ने जिस समय, जब माँ बचपन छोटे समय से 13 साल की उम्र में एक बच्ची जन्म, सबसे पहले तो एक बच्ची जन्म लेती है, ठीक है,
एक बहुत से बहुत ही बुरे परिवार में, मतलब खराब परिवार बोल सकते हैं, जहाँ पे खराब परिवार नहीं बोल सकते हैं, स्थिति खराब है, जी स्थिति खराब है बोल सकते हैं, कि एक स्थिति बहुत खराब खराब परिवार में जन्म लेती है, जहाँ पे पैसे की तंगी, ज्ञान की परिभाषा समझ में नहीं आती है लोगों को, उस परिवार में जन्म लेती है। बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है, जब से बचपन से जन्म लेती है मेरी माँ, तब से वो अपनी माँ के थ्रू बहुत सारी प्रताड़ना झेली है। उसके बावजूद उनका समर्पण अपनी माँ के प्रति हमेशा रहा है उसके बावजूद उनका समर्पण अपनी माँ के प्रति हमेशा रहा है। 13 साल की उम्र में, जहाँ आज के लोग जो हैं बहुत लाइफ को लग्जरी इंजॉय करते हैं, 13 साल की उम्र में उस समय मेरी माँ ने घर से बाहर निकल के अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। अच्छा जी, गोएठा, पहले आपको पता है गाय के जो गोएठे होते हैं उसको बेच के पैसा अर्न करना, ताकि उनके माँ पिताजी और परिवार वाले दो रोटी खा सकें। उसके बाद प्लास्टिक के फैक्ट्री में जाके वहाँ काम करना, 13 से 17 साल का, ये 4 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड रहा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन को तो खो दिया, उनका बचपन तो रहा नहीं। समय, जिस समय लोग अपने परिवार से मिलते हैं, उनको परिवार का मतलब पता नहीं था, उनका परिवार सिर्फ उनके भाई बहन और उनके मामा थे। उसके बाद जब वो 13 4 से 17 साल की हुई, उस समय उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था सिवाय एक मामा के। उन्होंने उनकी शादी करवा दी, उनसे 20 साल की उम्र से ज़्यादा, हमारे पिताजी से, जिनका पैर जो है वो सही से चल भी नहीं पाते थे, मेरे पिताजी। 17 साल की उम्र से माँ ने सर झुका के सोचा यही हमारे पति देव हैं, और उस उनकी राह पे उनको सपोर्ट किए, उनके दुकान को सपोर्ट किए, उनके हेल्थ को सपोर्ट किए। उसके बाद बहुत सारे दिन ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे खाने को नहीं था हमारा पास, क्योंकि हमारे पिताजी के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। और माँ ने उस समय बहुत डट के सामना किया, 2 बार पिताजी का जेल जाना हो गया, वहाँ पे मेरी माँ ने पिताजी को संभाला और बच्चों को संभाला। उसके पहले भी, मैंने उसके बाद, जब शादी होने के बाद भी, अपने परिवार के जो भाई हैं वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज से गुजर रहे थे, जहाँ पे औरतों के ऊपर अत्याचार किया गया, और उनको भी जेल में जाके निकाला गया। बहुत सारी चीज़ें माने की, ये मैं बता रहा हूँ, शब्दों में बयान करना बहुत बहुत कठिन है। जी बचपन और जवानी की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने अपने भाई बहन भाई के सवाल संभाला, अपने पति को संभाला, अपने अपने आप को ध्यान नहीं देके। उसके बाद एक दौर आया जब अपने भाई के, जो बड़े भाई के बच्चों को संभाला, बड़े बच्चों को संभाला, आसपास के लोगों का तबीयत खराब होना, उनकी माँ अवेलेबल नहीं है, उनके घर जाके उनके बच्चों को संभाला। अच्छा जी, बहुत सारे, मैंने हमारे ही परिवार में, बहुत एक बड़ा सा परिवार है, वहाँ पे उनकी पत्नी का उस समय कोई देखने वाला नहीं था, बच्ची की डिलीवरी थी, बारिश के समय थे, उनको संभाला। तो हमेशा से समर्पण भाव रहा है उनका सब लोगों के लिए। के प्रति, मतलब मैं बता रहा हूँ, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद लोग उनको कोई इज्जत नहीं देते हैं, कोई मान सम्मान नहीं है। मैंने ये फील किया जैसे 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 मैं बड़ा हुआ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। बहुत सारी सेवाएं उन्होंने की, जिनकी हम और आप सोच भी नहीं सकते, हम उतना इतने दूर तक सोचते भी नहीं हैं। जी मोहम्मद, वो हर घर घर जाके लोगों के बारों बारे में वो समर्पण भाव दिखाना, और
मेरे पिताजी का भी एक बहुत इज्जत था उस पूरे एरिया इलाके में ये सपने के बाद, और उनके इज्जत को भी बनाए रखना ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं वही बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने पूछा है कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं, यदि आज के जेनरेशंस को आप खासकर ले मैंने जो हमारी महिला कम्युनिटी है उनको बचपन से ही इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी उन्हीं के साथ रही जिन्होंने उनको धोखा दिया या जिन्होंने उनके बारे में गलत सोचा या जिन्होंने उनको सम्मान ही नहीं दिया, उनके बारे में सोचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कहीं ना कहीं एक समर्पण भाव है और प्रेम भाव है जो वो अभी तक दिखाती हैं। और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलती है देखो मैंने इतना सारा जीवन देख चुका हूँ, अपने कर्म सही रखो देखो जी सब चीज अच्छे हो जाएंगे, तुम अच्छा सोचो। बिल्कुल मामा जी हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, आज नहीं है, कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स में बोलते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी कैसा होना चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी सेवा भाव का होना चाहिए, समर्पण भाव का होना चाहिए, जहाँ पे आप खड़े होते हैं किसी लोग के साथ, किसी ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे खड़े रहना चाहिए। मेरी माँ एक चीज़ बहुत अच्छी बोलती है कि मैं किसी के खुशी में नहीं जाऊँगी लेकिन यदि कोई दुख में है ना मैं हमेशा वहाँ रहूँगी। तो और ये जो लाइन है ना बहुत बहुत हमेशा मेरे को सोच में भरपूर करते हैं। हमारे घर में भी जब शादी के बाद बहुत सारी खुशियाँ होने आने वाली आ रही थी तो मेरी माँ उस समय उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी, बट जैसे ही बात आई बीवी मेरी वाइफ को संभालने की या पिताजी को संभालने की, 90s में पिताजी का जब टीवी हुआ, अस्थमा जब चल रहा था, अस्थमा से गुजर रहे थे, टीवी से गुजर रहे थे, पूरे इंडिया भारत में वो बीमारी बहुत फैली थी 90 के दशक में, आपको मैं बता देता हूँ। और उस समय टीबी और अस्थमा का ये इलाज नहीं था, तो मेरे पिताजी भी उस दौर में इस 90 के दशक में इससे गुजरे। और मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे सेवा भाव से कि अब नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मेरी माँ की सेवा भाव थी 90 के दशक में जिन्होंने मेरे पिताजी को 2023 तक बचा के रखा। मैं बता रहा हूँ अनगिनत सेवा भाव जिस हिसाब से मेरी माँ ने दिखाया है वो बिल्कुल बहुत बहुत मतलब मैं तो ये किताब देख के छोटी सी काम कर रहा हूँ, बट उन्होंने अपने जीवन के काल में जो काम किए हैं बयां करना अभी इस 1 घंटे के कॉल में बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है जी। जी मोहन जी अब हम पहुंच गए हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्वेंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको इसका क्विकली आंसर देना है। सो आप तैयार हैं इसके लिए? जी जी तो मेरा पहला सवाल है आपसे, बुक कंप्लीट होते ही सबसे पहले किसे बताने का मन किया? माँ को अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। बहुत ही इमोशनल हूँ अंदर से, बट ऊपर से बहुत स्ट्रांग लगता हूँ। अच्छा, ऑथर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या एक नई चीज जुड़ गई है? सोचने की कला बढ़ गई है और लिखने की कला जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की। अगला सवाल है, अपनी राइटिंग के थ्रू आप अपने रीडर्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? थिंक बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर जो है ये बातें कहते हैं कि नेवर गिव अप नेवर गिव अप, बट सच में यदि मेरी माँ की किताब पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि नेवर गिव अप किस शब्द की जो परिभाषा है वो कहाँ से समझ लीजिए आप उस कह सकते लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके आपके अनुसार सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन होता है? आपके माँ आपकी माँ। जी। तो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहती हैं। जी हाँ एकदम सही बात है। ठीक है, तो हमारे ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आई एम श्योर आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को
को भी आपकी बुक के बारे में पता होगा, रीडर्स को पता है, कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है इस किताब को लेकर के? जी फिलहाल तो मैंने अभी किसी फ्रेंड्स को बताया नहीं है, सिर्फ मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे भैया ही जानते हैं और मैं किसी को अभी तक नहीं बताया। मेरे जो पीजी मेट्स हैं वो जानते हैं कि मैं किताब लिख रहा हूँ, बाकी मैंने किसी को बताया नहीं है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो बहुत लोग जानने वाले हैं कि मोहन कुमार सिंह जी ने किताब लिखी है अपनी माँ को समर्पित करते हुए, बहुत लोग जान जाएंगे आज के बाद। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारा रिस्पॉन्स भी आएगा, बहुत कुछ आपको पता भी चलेगा। जी देखिए, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी जीवन शैली जीने की, बट इसमें यदि लोग जुड़ेंगे तो मुझे अभी पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा यदि लोग जुड़ते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जीवन से जो कुछ जुड़ा है या मेरे परिवार के जीवन से जो कुछ जुड़ा है, यदि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सपीरियंस यदि किसी को शेयर करना होता हो तो मैं कोशिश करूँगा वो शेयर करने का। जी बिल्कुल। मोहन, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं आपसे जुड़ सके, आपसे पर्सनली कनेक्ट हो सके? सो एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स? जी देखिए, मेरा आई थिंक ईमेल एड्रेस है mohan.singh06128@gmail.com, यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मोहन जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनका ईमेल आईडी आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं और साथ ही हम कमेंट सेक्शन में भी इसे पुट करेंगे, आप वहां से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मोहन, अगर हम आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है इस बुक पर? जी हाँ, देखिए मैंने ये किताब सेल के लिए तो नहीं पब्लिश की है, मेरी माँ को समर्पण के लिए की है, बट यदि आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए मैं 25% का डिस्काउंट तो दे सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप मोहन जी की बुक परचेस करते हैं तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए 25% का डिस्काउंट है इस MRP पे। आप इस बुक की फिजिकल कॉपी खरीदिए, इस बुक को आप पढ़िए, आई एम श्योर आप इस बुक को अपने आप से कनेक्टेड फील करेंगे। वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हम अपनी माँ के साथ फील कर चुके हैं और कर रहे हैं, वो सभी बातें मोहन जी ने इस किताब में शामिल की हैं। इस बुक को ज़रूर पढ़िए और अपना रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोहन जी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और बुक पर भी आप काम शुरू करने वाले हैं अभी? जी जी, कहीं ना कहीं ये 9 महीने का एक्सपीरियंस रहा है इस किताब को लिखने में, और मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ मेरे लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करना जो मेरे जीवन में घट रही हैं, और मैं अब नेक्स्ट जो है मैं वही कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि कुछ भी समाज में जो मेरे को फील हो रहा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है जीवन के बारे में, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को और एक किताब के माध्यम से प्रस्तुत करने का। इसलिए नहीं कि लोग पढ़ें, मैं हमेशा पहले बताना चाहता हूँ आपको माध्यम से कि मैं इसलिए नहीं चाहूँगा लिख रहा हूँ कि लोगों के माध्यम के लिए, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो आसपास के जितने लोग हैं जिनके साथ हमारा परिचय रहता है, जो हमको जानते हैं और जो आपके माध्यम से जानेंगे, हमारे शब्दों की गहराई को समझें कि ये एक इंडिविजुअल की इमोशंस है जो अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए हम लिख रहे हैं, तो मेरा सिर्फ यही है हम इमोशंस को जी रहे हैं और उसी को कोशिश कर रहे हैं कि अपने वाक्य में परिवर्तित करके किताब में के रूप में आपको प्रस्तुत कर सके। तो जब आप पढ़ें या फिर इस किताब को या फिर जो भी किताब मैं पब्लिश करूँ, तो सिर्फ उन इमोशंस को सोचिए कि क्या हो रहा है इस आपके जीवन में, आपके आसपास के जीवन, मनुष्य के जीवन में, वो सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोहन जी, आपकी तरह बहुत से लोग हैं जो अपनी राइटिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं इस बारे में, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए मैं तो अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का एडवाइस दे सकता हूँ। अब तो आपके पास अथॉरिटी आ गई है, आप एक पब्लिश ऑथर है, अब तो आप दे सकते हैं एडवाइस। प्लीज बताइए क्या करना चाहिए ना तो। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उनसे यही साझा करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए जी, और अपने पहचान को
सबसे पहले रखिए आगे, क्योंकि इस भीड़ में हम सभी अपने पहचान को खो बैठ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए लिखने की, अपनी बातों को बताने की जो आप फील करते हो, लोगों तक पहुंचाने की, ताकि आपकी भी पहचान इस करोड़ों लोग में हो सके। और खासकर मैं धन्यवाद कहूँगा आप लोगों का, अध्ययन ग्रुप के लोगों का, कि जिस हिसाब से आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इस पूरी प्रस्तुतिकरण के लिए, वो मैं, मेरे जीवन में ये पहली घटना है जहाँ पे मैं अपने फेस को, अपने चेहरे को इस तरह से देख पा रहा हूँ वीडियो में। मैं कभी बचपन में तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था। आई थिंक ये बोल सकते हैं कर्म है, और अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, आगे बढ़ते रहें, बस ये चीज़ है। मोहन जी थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, आपने बहुत कुछ बताया, और आपसे बात करके आपके अंदर का वो एक धीर, गंभीर, एक काम पर्सन हमें देखने को मिला। आई एम श्योर किताब में भी वो आपकी जो शैली है वो हमें देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, और जितने भी रीडर्स होंगे उन्हें आपकी किताब बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फैमिली। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन, डे 6 हमने कंप्लीट किया मोहन कुमार सिंह के साथ, जिन्होंने अपनी बुक में अपनी भावनाओं को, इमोशंस को उकेरा है, अपनी मदर को डेडिकेट की है किताब, और माहौल को बिल्कुल इमोशनल उन्होंने बता दिया, किस तरह की उन्होंने बचपन से लेकर के अब तक की कहानियां जो हमें बताई, हम सभी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे थे। दोस्तों, मदर का, माता का प्यार कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता, उस एक माता का प्यार 10 बच्चों के लिए बराबर होता है, लेकिन आज के टाइम में वो 10 बच्चे मिलकर के भी एक मदर को वो प्यार नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं जिसके बारे में शायद डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हमारे जो सीनियर पर्सन हैं, हमारी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमें बचपन से पाला है, हमें पोषण दिया है, हमें नर्चर किया है, और इस हैसियत तक वो लेकर के आए हैं कि आज हम खड़े होकर के दो बात कह सकते हैं समाज में, उनके लिए अपने मन में उनका सम्मान, उनकी इज्जत कम नहीं होने देनी चाहिए। सो इसी नोट के साथ हम रैपअप करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, डिस्कशन पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर के, इस प्रोग्राम को लेकर के, अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, अगले सेशन में, एक नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।